नकुल, सहदेव, ये क्या? प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए प्रिय अनुजो, जितनी आवश्यकता हो। यदि मनुष्य इसका ध्यान रखना छोड़ देगा तो प्रकृति का तो भंडार ही रिक्त हो जाएगा। हम क्या करें बड़े भैया, आप दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और करण को काटने की आज्ञा जो नहीं दे रहे हैं। आहा, ये तो ऋषि दुर्वासा हैं। अपने क्रोध को छिपा लो प्रिय नकुल, नहीं तो ये समझेंगे कि हम इनके आने से प्रसन्न नहीं हुए। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु। हमारी कुटिया में चलकर उसकी शोभा बढ़ाइए ऋषिवर। ऋषि शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होते राजन। मैं क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। यदि तुम कुंती पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें क्षमा ना करता। मैं तो हस्तिनापुर गया था, वहां दुर्योधन ने मेरी बड़ी सेवा की और फिर हाथ जोड़कर बोला कि भ्राता युधिष्ठिर भी निकट ही हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देते जाइएगा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया। ऋषियों के पधारने से तो हमारे सौभाग्य के द्वार खुल गए। स्नान के पश्चात हम लोग भोजन करेंगे राजन, भोजन का प्रबंध करो। जो आज्ञा ऋषिवर। भ्राताश्री, अब भोजन कहाँ होगा? हाँ, अब तक तो पांचाली भी खा चुकी होगी। ये तो भ्राता दुर्योधन की और एक भेंट है। वो जानते हैं कि पांचाली के खाने के उपरांत कोई भोजन शेष ना होगा। और यदि कोई भोजन बचाना हो तो फिर ऋषि दुर्वासा का क्रोध। चलो अनुजो। पांचाली, क्या हुआ? पांच शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा आ गए हैं। तो चिंता क्यों? वो लोग स्नान करने गए हैं, आकर भोजन करेंगे। हाँ। भोजन? भला किसने कभी ये सोचा होगा कि इंद्रप्रस्थ की सम्राट ये सुनकर चिंता में भी पड़ सकते हैं कि उन्हें 5-6 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। और इंद्रप्रस्थ की पटरानी की रसोई में इस चावल के एक दाने के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हे कृष्ण, ये तो ऋषि दुर्वासा है पांचाली। प्रणाम बड़े भैया। ओ वासुदेव, लगता है आप लोग मेरे आने से कुछ प्रसन्न नहीं हुए। नहीं नहीं, ये आपने क्या कह दिया। हमारे जीवन में आपके आने के अतिरिक्त प्रसन्नता का कोई कारण अब रह क्या गया है? मेरी सुभद्रा कैसी है? पहले कुछ खिलाओ तब बताऊंगा, बड़ी भूख लगी है कृष्ण। पात्र में एक चावल का दाना रह गया है, उसी में से आधा आप खा लीजिए और आधा संसार को खिला दीजिए। ये तो बहुत है कृष्ण। अब चलना चाहिए ऋषिवर, महारानी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी। हाँ ऋषिवर, अब तो भूख बहुत तीव्र हो चुकी है। चलो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः
बड़े आश्चर्य की बात है ऋषिवर, बिना खाए ही पेट भर गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं ऋषिवर, अभी तो भर पेट खीर ही खाई है। मुंह में स्वाद तो खीर ही का है और नींद भी आ रही है। नींद की मत सोचो, कोई बुलाने आ गया तो क्या करोगे, निकल चलो। तुमने बड़ी उत्तम खीर बनाई थी कृष्णे, नींद आने लगी। तो सो जाइए वासुदेव। यही तो कठिनाई है बड़े भैया, मैं सो ही तो नहीं सकता। अनुज सहदेव, तनिक देखो तो भैया, ऋषिवर का स्नान समाप्त हुआ कि नहीं। जी भ्राताश्री। अरे बैठो सहदेव, उन्हें कोई बुलाता थोड़े ही है, यदि उन्हें आना होगा तो स्वयं ही आ जाएंगे। उन्होंने भोजन के लिए कहा था वासुदेव। तब उनका यही निर्णय रहा होगा, फिर किसी और के अतिथि बन गए होंगे। परंतु आप मुझे ये बताइए बड़े भैया कि अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों की खोज में इंद्रलोक गए हुए हैं, पर ये भीमसेन कहाँ है? भीम की छोड़ो वासुदेव, घूम फिर कर लौट आएगा। पर ये बताओ, तुम कैसे आ गए अचानक? बस भूख लगी आ गया। पर भीम, मुझे जाना भी तो है। अब सूर्यास्त का समय हो रहा है वासुदेव, जाना है तो कल चले जाना। क्या इन्हें भी घास के बिछाने पर सुलाइएगा? आप भीमसेन की प्रतीक्षा नहीं कीजिए तो अच्छा है, वे बड़े क्रोध में निकले हैं, न जाने कब लौटेंगे।